बसपा सुप्रीमो मायावती ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि यूपी के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज पांचवें चरण में हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है कि प्रतिज्ञा व जिद के साथ वोटिंग करते रहना जरूरी है ताकि द्वेष, पक्षपात, उन्माद और तानाशाही से मुक्त यहां सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बन सके। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है जो लगातार मैं आपको बता रही हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। वो कहती हैं कि यूपी के 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर आज पांचवें चरण के लिए वोटिंग हो रही है, हर पोलिंग बूथ को जीतना जरूरी है, बीएसपी को सत्ता में लाना जरूरी है, इसकी प्रतिज्ञा और जिद आप ले और वोटिंग करते रहे क्योंकि जरूरी है। जो द्वेष है, जो उन्माद है, वो बना हुआ है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और सर्वजन सुखाय और हिताय की सरकार यहाँ बन सके। आराधना मिश्रा वोट डाल चुकी है, प्रतापगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार है आराधना मिश्रा, संग्रामगढ़ में मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने अपना वोट डाला है और फोटो भी शेयर की है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, न्यूज वन इंडिया भी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अनुराग गोंडा में आप फिलहाल कैसी तस्वीरें? अनुराग मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है आवाज, मेरी आपको मिल रही है? जी, गोंडा में साफ तौर से तस्वीरें बयां कर रही है कि जिस तरीके से दावा किया गया था कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गोंडा में प्रशासन ने जगह जगह जागरूकता किया, उसका असर गोंडा में दिख रहा है। लोगों में उत्साह है, छोटे छोटे बच्चों को लोग लेकर यहाँ पर मैदान में है और जो लोग वोट डालने आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन में पहुंचे। साफ तौर पर तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह है। आप सब ये देख सकते हैं, ये पोलिंग स्टेशन है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने लोग मतदान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और लोग अब इनके साथ में जो गृहिणी थी वो लोग मतदान करने गए हैं। तो लोगों में साफ तौर से उत्साह है और भीड़ है इस पोलिंग स्टेशन पर और इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी कर रखी है और लोग अपना अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी सत्येंद्र शर्मा प्रतापगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए, उनका मैं रुक करूं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही एक ट्वीट कर दिया था, वो भी आप लोगों को बताना जरूरी है, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज पांचवा चरण है, सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट अवश्य दें। ये वो ट्वीट है जो आप देख सकते हैं, सुबह 7:02 पर यह ट्वीट किया गया, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज पांचवा चरण है, सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपना कीमती वोट अवश्य दें। इसके अलावा तमाम जो बड़े चेहरे हैं लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि पांचवें चरण को एक बार फिर से वोटिंग प्रतिशत जो है वो अच्छा खासा दें क्योंकि मतदाता जागरूक हैं और जागरूक होकर अपना कीमती वोट जरूर दें। सत्येंद्र शर्मा प्रतापगढ़ से लगातार मेरे साथ बने हुए, सत्येंद्र प्रतापगढ़ में कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है, कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? मैम अभी तक जो है हम सदर विधानसभा क्षेत्र के कमईपुर बूथ पर मैम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है दो बूथ बनाए गए हैं, एक बूथ संख्या है 140 और दूसरी बूथ संख्या है 141। यहाँ पर मैम अभी तक जो है मात्र 17% मतदान हुआ है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और वोटर धीरे धीरे अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। मैम बिल्कुल, यानी कि उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है जितनी अन्य जिलों में नजर आ रही है, ये कहना चाह रहे हैं सत्येंद्र? जी मैम, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं, आप कैमरे से देख सकते हैं मैम जो है कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद है और वोटरों की संख्या कम है मैम। और इस बूथ पर मैम एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो है बीएलओ के अब्सेंट रहने की वजह से यहाँ पर जो है मतदाताओं को पर्ची नहीं मिल पा रही है, इस वजह से भी यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दिक्कत को सुधारने के लिए क्या कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा है? जी मैम, अभी हमारे भी जो है यहाँ के ग्राम प्रधान जो है कमईपुर के ग्राम प्रधान है, हम इनको जो है इनको देखते हैं कि इनका क्या कहना है, ग्राम प्रधान का क्या कहना मैम, हम देखते हैं ग्राम प्रधान क्या कहते हैं बीएलओ के संबंध में। आप प्रधान जी, आपका अरुण कुमार यादव, यहाँ पर जो है बीएलओ मौजूद नहीं, इसके लिए आपने क्या किया है? 3 दिन से ड्यूटी लगी है, 3 दिन में एक भी दिन पर्ची नहीं बताई गई और अभी 9 बजे तक ना तो बूथ पे आई है, कल भी नहीं आए, पूरा दिन मैं यहाँ रहा, परसों भी मैं यहाँ रहा, ग्राम सभा में बराबर टाला लेकिन वो यहाँ आई नहीं। इसके लिए आप द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जो उचित कार्रवाई हो उनके साथ की जाए। ये तो मैम
यहाँ कमईपुर के प्रधान अरुण कुमार यादव जी और एक कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीएलओ के एब्सेंट होने की जानकारी जो है संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है और जो भी कार्रवाई उनके साथ होगी वो अधिकारी बता पाएंगे। बिल्कुल, और प्रतापगढ़ में यहाँ कांटे की टक्कर किसके बीच है, क्योंकि यहाँ अपना दल कमेरावाली की अध्यक्ष कृष्णा पटेल मैदान में है और कृष्णा पटेल इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सत्येंद्र जी, मैम जी, किसके बीच कांटे की टक्कर? जी मैम, बैठे भी है वो, बैठे परिवार आमने सामने है इस सीट पर। आज से कहाँ हैं? 9 बजे तक यहाँ कोई नहीं था। जी मैम, जी मैम, जी मैम, हेलो सत्येंद्र, क्या मेरी आवाज नहीं पहुँच पा रही आप तक? हेलो, हाँ मैम, कट रहे, थोड़ा कट कट के आ रहे, बोले ठीक है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, दोबारा से आपसे संपर्क साधूंगी सत्येंद्र। तो ये तस्वीरें आप पांचवें चरण की देख रहे हैं, सुबह से ही अलग अलग जिलों में मतदाता जो है वो भारी संख्या में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर आज पांचवा जो चरण है वो दिखाई दे रहा है। लगातार अपील की जा रही है मतदाताओं से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान करें और जो कीमती मतदान है उसका असर दिखाई दे। अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख लगातार हम कर रहे हैं। अयोध्या से हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, आप मतदाताओं से वहां बात करिए, क्योंकि आप पहले बता रहे थे कि युवा वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बुजुर्ग मतदाता है सिर्फ वहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे, क्या समस्या है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो अभी मतदान करने गए हुए, जैसे ही वो आते हैं हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ युवा जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर, आज आप मतदान करने आए, किस मुद्दे को लेकर के मतदान करने आए? अच्छा, ये बताइए, जो युवा हैं, कहीं ना कहीं युवा नहीं दिख रहे हैं, बुजुर्ग लोग तो मतदान कर रहे हैं वोट डाल रहे, लेकिन जो नए लड़के हैं वो मतदान करने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर बताया, जो युवा है वो हो सकता है अपने काम धंधे में व्यस्त हो, इस वजह से अभी सुबह ना आया हो, क्योंकि सुबह मंदिर, यहाँ पर मंदिर आस्था खुलती है, लोग ज्यादातर युवा दुकान पे बैठते हैं, यहाँ पे व्यापारी हैं, तो हो सकता है इस वजह से व्यापारी ना पाए, लेकिन अगर जैसे ही 11:30 बजे मंदिर के कपाट बंद होंगे उसके बाद युवा भारी संख्या में मतदान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित होगा। बिल्कुल हिमांशु, और खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, सभी संत, जितने भी संत, चाहे हनुमानगढ़ी हो या प्रभु श्री राम मंदिर के संत हो या और भी जितने भी मंदिर है, यहाँ पे अयोध्या धर्म की नगरी कही जाती है, यहाँ पे जितने भी संत है वो लगातार अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर के मतदान करते नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में संत यहाँ पे हम इस समय खड़े हैं। ठीक है हिमांशु, आपका मैं रुक करूंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जो वोटिंग पर्सन है वो आम जनता तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि 9:30 से ज्यादा का वक्त हो गया है। गोंडा में सुबह 9 बजे तक 8.37% मतदान हुआ है, वहीं चित्रकूट में 9.3%, रायबरेली में भी 7.48% मतदान हुआ, कौशाम्बी में भी 9.35% मतदान हुआ है, वहीं अमेठी में भी 8.67% मतदान हुआ, बहराइच में 7.45%, प्रयागराज में 8% मतदान, श्रावस्ती में 9.50% मतदान हुआ है, वहीं सुल्तानपुर में 9% मतदान हुआ, अयोध्या में भी 9.4% मतदान यहां हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोंडा में सुबह 9 बजे तक 8.37% मतदान हुआ है, वहीं चित्रकूट में 9.3% मतदान हुआ, रायबरेली में भी 7.48% मतदान हुआ है, कौशाम्बी में 9.35% मतदान हुआ, अमेठी में भी 8.67% मतदान हुआ। इसके अलावा बहराइच, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या का भी हम जिक्र कर रहे हैं। बहराइच में 7.45%, प्रयागराज में 8%, श्रावस्ती में 9.50%, वहीं सुल्तानपुर में 9% मतदान हुआ, अयोध्या में भी 9.4% मतदान
हो चुका है। तो अब तक का वोटिंग परसेंट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह 9 बजे तक ओवरऑल 9% मतदान जो है वो हो चुका है। अगर इसी तरह से वोटिंग प्रतिशत की रफ्तार रहती है तो चौथे चरण में जो वोटिंग परसेंट हमें दिखाई दिया था वही वोटिंग परसेंट हमें पांचवें चरण में भी दिखाई दे सकता है। तो 12 जिले 61 सीटें और यहां पर 692 उम्मीदवार मैदान में जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। तमाम जगहों से तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है।